एक जो हमें सबसे बड़ा आप कह लेना कि द थॉर्न इन अ बैक साइड इज इंडिया, बिकॉज ऑफ इंडिया प्रोपगेशन हम FATF में घुस रहे हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है, हिंदुस्तान को कैसे न्यूट्रलाइज करें हम? देखिए बात यह है कि आपने जो मुझसे सवाल किया है मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के साथ जो हमने हैंडल किया, डीन एचिसन ने किताब लिखी थी प्रेजेंट एट द क्रिएशन, क्योंकि वो उस वक्त जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था मौजूद थे, तो बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते थे। आज सारा इंडिया पाकिस्तान में कहते हैं कश्मीर का मसला नहीं हल हो सकता, मैं कहता हूं हो सकता है। I was present. How many people can speak with authority on Pakistan, India? I'll give you their names. Vajpayee साहब ने शुरू किया लेकिन खत्म नहीं किया। मनमोहन सिंह साहब बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट मुशर्रफ बोल सकते हैं। इंडिया के तीन फॉरेन मिनिस्टर्स थे, यशवंत सिन्हा, नटवर सिंह और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो बाद में सदर बने। इसलिए तीनों को पिक्चर का नहीं पता। पाकिस्तान की तरफ से 5 साल मैं था, फिर दो बैक चैनल नेगोशिएटर्स हैं, तारिक अजीज साहब यहां से और लंबा साहब वहां से। अब इनमें से सिर्फ तीन बंदे आए जिनको बैक चैनल का भी पता था क्या हो रहा था, और इंटरनेशनल जो कश्मीर को हम जो डील कर रहे थे, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ, मैं पाकिस्तान और वहां मनमोहन सिंह साहब थे। क्योंकि तीन, अगर मैंने किताब लिखी है तो इस कॉन्फिडेंस से लिखी है कि एडवांस कॉपीज मैंने भेज दी थी प्रेसिडेंट मुशर्रफ को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और वाजपेयी साहब की सेहत खराब हो गई थी तो उनकी जगह लीडर बने थे एल के आडवाणी। एडवांस कॉपीज क्यों भेजी थी कि आप जब मेरी बुक लॉन्च में आए तो पढ़ के आए। प्रेसिडेंट मुशर्रफ तो खुला डोला आदमी, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि कसूरी साहब ने जो कहा ठीक कहा, यही था हल कश्मीर का भी और जो भी बात बैक हो रही थी इंडिया के साथ डायलॉग की। डॉक्टर मनमोहन सिंह और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एल के आडवाणी दोनों मेरी बुक लॉन्च में आए थे दिल्ली के अंदर। क्यों आए थे? आप बोले नहीं, लेकिन उसके बाद तो क्लियर हो गया कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ये जो शिवशंकर मेनन, और बैक चैनल नेगोशिएटर थे लंबा साहब। अभी पिछले को 2-4 महीने पहले एक इंटरव्यू मैंने देखा है लंबा का, उनसे एक सीधा सवाल पूछा गया कि कसूरी साहब घड़ी घड़ी कहते रहते हैं पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर के हल के करीब थे, ठीक है? अब वो बड़े ट्रेन डिप्लोमेट, उन्होंने कोई ज्यादा तो जो कुछ नहीं कहना चाह रहे थे, उनका ठीक कहते हैं पीरियड, 5 वर्ड्स का सेंटेंस ठीक कहते हैं। इसी किस्म की बातें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन ने और उन्होंने लिखी हुई हैं जो श्याम सरन इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। संजय बारू ने जो किताब लिखी मनमोहन सिंह के बारे में, उन्होंने भी बहुत सी चीजों को एडमिट किया। कसूरी साहब, जसवंत सिंह साहब का इंटरव्यू मैंने किया मेट्रोपोल होटल लंदन में, पार्क लेन में जी जी, और वहां उनसे मैंने पूछा कि आप जब मिनिस्टर थे एक्सटर्नल के, ये क्यों नहीं मसला हल हो सकता? वो या मैं? वो तो उन्होंने कहा कि काश, उनके लफ्ज थे कि काश हम हुकूमत में रह जाते तो ये मसला भी हल हो जाता। नाउ ही वाज रेफरिंग टू द पीरियड व्हेन यू वर द फॉरेन मिनिस्टर, सो व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? व्हाट ही मेंट इज दैट ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। शुरू उन्होंने किया था सरताज अजीज साहब के साथ, मेरे साथ तीन फॉरेन मिनिस्टर्स थे क्योंकि जसवंत सिंह साहब मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे और फॉरेन मिनिस्टर बने थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फाइनेंस मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर बने थे मेरे वक्त में यशवंत सिन्हा जे बीजेपी के दौर में। उनके बाद आए जो यहाँ आए भी थे जी, या आए भी थे नहीं, मेरे घर में तो सब आए नहीं जी, पाकिस्तान में विजिट ही केम ऑन। हाँ जी आए हैं, बिल्कुल आए हैं जी हाँ। और उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाद में बने मुखर्जी साहब, वो बने थे प्रणब मुखर्जी। मेरा कहना यह है कि जो आपको उन्होंने जसवंत सिंह साहब ने लंदन में बताया है, अब तो कोई डाउट नहीं है कि मसला कश्मीर के हल के करीब थे, जिसकी बुनियाद पर हमने 5 जंगें, अगर आप 2 छोटी गिन लें रन ऑफ कच्छ और कारगिल, 3 बड़ी और 4 नियर वॉर सिचुएशंस इंक्लूडिंग जब मैं फॉरेन मिनिस्टर बना तकरीबन उस वक्त उसकी कुछ विड्रॉल शुरू हुआ था, जो 1 मिलियन सोल्जर्स आई बॉल टू आई बॉल खड़े रहे हैं 2002-2001 में, और दुनिया समझ रही थी कि यार न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और फोर्सेस उस वक्त विड्रॉ किए हैं, ये कश्मीर की वजह से था ना?
और तो खूब आती, लेकिन फिर पाकिस्तान में कहते हैं कि आप कश्मीर बेच रहे थे जी, यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती हैं आप कश्मीर बेच रहे थे। ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली जो बंदा जाता है उसको कहते हैं बेच दिए, भुट्टो चले गए, भुट्टो साहब उन्होंने इस पाकिस्तान तोड़ दिया, बाकी कोई नहीं, हम सारे पवित्र नेक नेक प्रवीण हैं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ आए, सारी गलतियां उनकी हैं। उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए, जब कोई बंदा चला जाता है सारी गलतियां उनकी हैं। वो खुदा का खौफ करो, जो मुशर्रफ ने पॉलिसीज अडॉप्ट की वो उनके जाने के बाद कियानी साहब अडॉप्ट करते रहे, उनके जाने के एज मिलिट्री चीफ राहिल शरीफ साहब ने की, कमर जावेद बाजवा साहब ने की ऑन टेररिज्म, ये वो इतनी सारी मुश्किलों ने डाल दी। को बीम ग्रो अप मच्योर हो, इस किस्म की घटिया बातें जब करते हैं तो कौम को आप मिसलीड कर देते हैं। आप उनको कौम को एजुकेट करें, कुछ पाकिस्तान के मसाइल हैं वो पार्टीबाजी से बुलंद होने चाहिए, और उनमें मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने घर के जो इंतजाम हैं वो ठीक करने पड़ेंगे। वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, और जब तक आप इन ऑर्डर नहीं करेंगे आपको फॉरेन पॉलिसी में कामयाबी हासिल नहीं होगी। अगर आप कश्मीर के हल के करीब थे तो क्या वजह कि इंडिया मान गया था, इंडिया को पता था पाकिस्तान एक मजबूत गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की मईशत बड़ी ज़बरदस्त जा रही, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है, कि यह तांता बांधा होता था इस्लामाबाद, वो जी आज ये प्रेसिडेंट आ गया, वो फॉरेन मिनिस्टर, ये चांसलर, अब तो यहाँ बिजनेसमैन नहीं आते, वो कहते हैं दुबई में आके मीटिंग कर लो। तो देखे अब शुक्र है कुछ स्लाइटली बेहतर हो गया पिछले डेढ़ एक साल में। तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें मच्योरली एडल्ट्स बच्चों की तरह नहीं, वो गया उसको गाली दे दी, फलां गया उसको गाली दे दी, ये कोई बात है? आप दूसरे मुल्कों में जो मच्योर डेमोक्रेसीज हैं वहाँ ये तो नहीं होता कि आप दूसरे बंदे को सारा गंद डाल दें, भई आपको जवाब देना पड़ता है। आपको पूछते हैं, मुझे याद है मैं बरतानिया में स्टूडेंट था तो उस वक्त शायद हैरल्ड विल्सन प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कह दिया शायद मुफ्त ऐनक दूंगा, वो जी जो डिबेट शुरू हो गई, किधर से पैसे लाओगे, टैक्स की तरफ को लगाओगे। अब ये होती है मैच्योरिटी, यहां आप चांद सूरज जो चाहे आप प्रॉमिस कर दे, भाई मैं आऊंगा चांद के सितारे आसमान से तोड़ के तुम्हारे मैं दामन में डाल दूंगा, ना को पूछता है ना कुछ, उसके बाद गायब हो जाते हैं वहां के। तो इस किस्म का जो आप कह रहे ना जी, सब कहते हैं जी मुशर्रफ की वजह से हो गया, खुदा का खौफ करें, ये मसाइल आज क्यों चल रहे हैं, आज मुशर्रफ की हुकूमत, ये मसाइल आपको हल करने पड़ेंगे। चले हम एक और बात करते हैं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बड़ी अच्छी इन्होंने एक बात की है, जल मुशर्रफ चले गए उनके पीछे, उसके बाद ये आसिफ अली जरदारी चले गए उनके पीछे, नवाज शरीफ चले गए उनके पीछे, हमारा नेशनल कैरेक्टर है क्या है कि हमारे ये नहीं है कि यार ठीक है गलत काम सब करते हैं, ठीक भी तो करते हैं, लेकिन ठीक को आप आगे नहीं लेके आएंगे, आप वो जो नेगेटिव्स होते हैं थोड़े बहुत आप उसको ज्यादा हाईलाइट करेंगे रादर देन द पॉजिटिविटी। हम साहब ये आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, इनकी तमाम पॉलिसीज हालांकि कहते ही हैं कि मैनेज, इनका असल में मुकाबला चीन और अमरीका रूस के साथ है, एक्चुअली इस इनकी पॉलिसी से चीन को फायदा होगा, लेकिन हम क्या फिगर करते हैं इसके अंदर? देखिए जहाँ हमारा मामला वी पुट हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि चीन हो यूरोपियन यूनियन हो, जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस फॉर आर्म्ड ग्रुप्स। एक नंबर दो, 1648 में जब वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न स्टेट का, उसकी फर्स्ट डेफिनेशन सॉवरेंटी की थी कि जो मोनोपोली फॉर वायलेंस ये सिर्फ स्टेट के पास है, विच मीन्स स्टेट के कौन से ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी इन केस ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उसके बाद अब रेंजर्स पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी किसी और को इजाजत होनी ही नहीं चाहिए, ये तो बेसिक फलसफे के खिलाफ है। अगर आप दुनिया तमाम दुनिया का फलसफे को झुठला देंगे, तमाम दुनिया में जो लोगों ने जिनको कुछ इसका समझ है, इस चीज़ की समझ है, जो वो कह जा रहे हैं आप उसको झुठलाएंगे तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। यही वजह है कि हमारी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पे भी हमला हुआ, जीएचक्यू पे भी हमला हुआ, हमारे एयरफोर्स बेसिस पे हुआ, नेवल बेसिस पे हुआ, ये नहीं टॉलरेट किया जा। लेकिन बट दे डोंट सीम टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए ये हमें अब मेरा ख्याल आर्मी को एक चीज़ तो मैं आपसे एग्री नहीं कर रहा, ये जो ऑपरेशन लॉन्च की गई हैं जनरल राहिल शरीफ के दौर में और जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में, ये इसकी रियलाइजेशन थी
और कॉन्टिन्यूटी देखें, जल मुशरफ जब को चला जाता है स्पीकर सब शुरू हो जाता है, उनके बाद कियानी साहब, उन्होंने कहा आके के इंटरनल थ्रेट ज्यादा बड़ी है एक्सटर्नल थ्रेट से, यानी के टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर है वो इंडिया की थ्रेट से बड़ा। ये एक फौजी कमांडर के अल्फाज है, मेरे नहीं है, ये जनरल कियानी के अल्फाज हैं। उनके बाद दो जनरल्स आए हैं, जनरल राहील शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा, वो सब वही कर रहे हैं जो जनरल मुशरफ से शुरू हुआ है। ये बड़ा आसान होता है कि आज मुशरफ साहब बाहर हैं तो आप कह दें जी आज कि फला उन्हीं की वजह से सब कुछ हो गया। भाई चेंज किसने किया है, उस लाइन पे आप चल रहे हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग, वो तो मैं लेकिन आप दुनिया को आपको समझाना पड़ेगा, काफ़ी वक्त गुजर गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जहाँ तक फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का है, वैसे बी वी एस और हमारी एक हैबिट है लिविंग बियॉन्ड आर मीन्स, वो कहते हैं ना कि उतना ही चादर फैलाओ, हम चादर बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, हम भी अपने रिसोर्सेस को नहीं देखते हैं। अब आपका बजट का डिफिसिट बढ़ रहा है, एक्सटर्नल अकाउंट डिफिसिट बढ़ रहा है, तो इन हालात में अगर आपको जाना पड़ता है दुनिया के पास, चाहे आपको अपने टेंट यही फ्लोट करने पड़ते हैं, अपने बॉन्ड ही फ्लोट करने पड़े, आईएमएफ तो दूसरी बात, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अमेरिका, और अब तो क्लियर हो गया है कि अमेरिका के जो मुझे शौक हुआ था, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये गलत बात है अगर आप कहें क्योंकि अमरीका खिलाफ है इसलिए बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, नॉट एट ऑल। मेरा क्या तजुर्बा है, अमरीका इराक पर हमला करना चाहता था, हमें अमेरिका का एलाई समझा जाता था, लेकिन हमने डट के मुखालफत की, इराक पे हमले की, और हमारे साथ कौन थे, रूस तो था, जर्मनी और फ्रांस। इसलिए अगर जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया मिल गए तो यह बड़ी सीरियस बात है। तो सऊदी अरेबिया क्यों नहीं हमारे साथ खड़ा होता, आप चीन देख लें, सऊदी अरब देख लें। मेरा कहना आपको यह है कि ये जब दुनिया में कंसेंसस बन जाए, अच्छा मैं आपसे एक और बात कहता हूँ भी, अगर मेरे बड़े माशाल्लाह अच्छे दोस्त हैं और बड़े पक्के दोस्त हैं जो हैं, चीन हमारा हर वक्त हमारे साथ स्टैंड करता है, सऊदी अरेबिया करता है, तुर्की करता है, आपने ज़रूर उनको छोटी छोटी बातों में इम्तिहान में डालना है, और भाई इम्तिहान में भी डालना है तो कोई बड़ी चीज़ हो, ये क्या है फलां बंदे को इस लिस्ट में है, फलां बंदे को उस लिस्ट से निकाल दो। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इन मुल्कों का मोहताज हो। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो मैं बराबरी की बात अपनी याद करता था, भिखारी की तरह नहीं जाता था वर्ल्ड कैपिटल्स में। ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती है कि हम हर तीसरे महीने बैक करने जा रहे हैं, या इसको ना फलानी लिस्ट पे आने दो, फलानी लिस्ट पे आने दो, ये हमारे अपने मफाद में। और वैसे सारी कौम कमिटेड है नेशनल एक्शन प्लान पर, जब कमिटेड है तो इम्प्लीमेंट करें। अब देयरफॉर वो वक्त आ गया है, आप छोड़ दें अमरीका क्या कर रहा है, छोड़ दें फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को, आप वही कर लें जो आपकी अपने फौज का और आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मुश्तरका फैसला है, नेशनल एक्शन प्लान, उस पर अमल दरामद करें। वो क्या रहा है, जो तो मिलिट्री के काम थे वो दो तीन तो हो रहे हैं कि जी वो आप एक्शन लेना है, फलां करना है, तो जो बाकी काम करने हैं, मदरसा रिफॉर्म है, करिकुलम है, और 36,000 काम है, ये जो काउंटर टेररिज्म, कुछ भी नहीं उसके ऊपर हो रहा, नेक्टा जो था। Therefore, what I am saying is, effectively, civil military have to be on the same page, and you have to be seen. आपको नजर आना चाहिए। But can we be? देखें, अब तो मैं समझता हूँ शायद इनके पास रास्ता नहीं रहा। अब मैं ये भी समझता हूँ कि जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी, केयर टेकर, वो जो भी आएगी ये इलेक्शन से पहले, उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हो जाएंगे, बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे, और आई होप कि वो बंदे ऐसे हों को चैलेंज को मीट कर सकें, क्योंकि जो ये गंद छोड़ के जा रहे हैं ये तो चले जाएंगे, तो नई वो जो गवर्नमेंट आएगी लिमिटेड पीरियड के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। विल वी नीड अ फॉरेन मिनिस्टर? देयरफॉर यू विल नीड एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑन द सेम पेज इन दिस इंटरिम पीरियड, सो दैट वी कैन गेट आउट ऑफ दिस। और प्लीज आई रिपीट, अपने दोस्तों को इस किस्म की चैलेंजेस इम्तिहानात में ना डालें, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की जंग हो जाए किसी मुल्क के साथ, फिर तो आप तवक्को करें कि भी मुल्क आपके साथ खड़ा हो जाए, कोई आपको कोई कॉर्नर कर दे मुल्क, तो आप एक्सपेक्ट करें जी तुर्की, सऊदी अरब, चीन हमारे साथ आएंगे, लेकिन हर घट छोटी से छोटी चीज पे आप उनको घसीट के ले आए। और ये भी मैं उनको सलाम करता हूँ तीनों मुल्कों को कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, ये एक इंटरनल फैसला था, किसने कहा था कि आप एक दूसरे को मुबारकबादें देनी शुरू कर दें, उनको एम्बेरस कर दें, और अमेरिका को दोबारा मौका मिल गया कि यार ये तो बाज ही नहीं आते,
यानी उन्होंने समझा भुला के जो अंदर एक काम किया था उनका तो बाज ही नहीं आ रहे, ये तो बड़े फखरी अंदाज में कह रहे हैं कि हमने अमेरिका बहादुर को फारिग कर दिया है। तो देखें डिप्लोमेसी जो है वो मैनेजमेंट होता है और डिफरेंट थिंग्स आप अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखना पड़ता है, ये नहीं है कि आप जाके बड़ी विक्ट्री के नारे लगाने लगें, तो ये मैं समझता हूँ मिसमैनेज हुआ है, नहीं तो शायद आपको ये 3 महीने मिलते ज़्यादा बाइज्जत तौर पर मिल जाते।